हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को पसंद आती है तो शेयर लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ लाई हूँ और ये बहुत मशहूर हकीम की बताई हुई है, अब्दुल हकीम की। और ये जो रेमेडी है ये डॉक्टर बल्कीस ने बताई है, जिनको एक मशहूर हकीम ने बताई थी। तो फ्रेंड्स, ये उन औरतों के लिए है कि जो औलाद से महरूम होती हैं, जिनकी औलाद नहीं होती, तो ये रेमेडी वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको औलाद से ज़रूर नवाजेंगे। तो अगर आप लोग किसी हकीम के पास जाते हैं तो वो जब आप लोगों को ये चीज़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ है और इसके इस्तेमाल से आपको बहुत बहुत फ़ायदा भी होगा, तो वो इसके ऊपर सोने का रंग जो है वो चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को पता नहीं चलता कि आखिर ये क्या चीज़ थी जो उन्होंने खाई है, और आपको महंगी से महंगी बेच भी देते हैं। आप लोगों को ज़्यादा महंगी मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आप लोगों को फ़ायदा होगा और आपको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इससे पहले आपको मैं बताऊं, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आप लोगों को डेली की बेस्ट जो टिप्स हैं वो मिलती रहें, और अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग हमें पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग हमें फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, और अगर आपको कोई मसला है तो आप लोग वहाँ पर भी मैसेज कर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए बेस्ट टिप्स लाऊं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और याद रहे कि आप लोगों को हमारे चैनल पर जो भी कोई बात बताई जाती है या जो भी कोई रेमेडी बताई जाती है उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो हर्बल हैं और हर्बल चीज़ों में हमेशा फ़ायदा ही होता है, और वो किसी मशहूर डॉक्टर्स वगैरह की या शेफ़ वगैरह की बताई हुई होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पपीता ले आना है, पक्का पपीता आप लोग घर में लाकर रख लें। उसके जितने भी बीज होंगे आप लोगों ने वो तमाम बीज निकाल के रख लेने हैं। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पर आप लोगों ने एक बीज लेना है, और आप लोग याद रखें ये बात कि आप लोगों ने उसे चबाना नहीं है, मुंह में डालना है और निगलना है पानी के साथ। डेली आप लोगों ने ये करना है पूरे 3 माह, और खाने से पहले यानी मतलब निगलने से पहले यानी मुंह में डालने से पहले आप लोगों ने अल्लाह माफ़ी अल्लाह शाफ़ी का विर्द लाजमी करते रहना है। तो याद फिर से कह रही हूँ, याद रहे कि आप लोगों ने मुंह से तोड़कर नहीं चबाना, इसको निगलना है पानी के साथ ताकि ये अंदर जाके खुद फटे। तो इंशाल्लाह ताला 3 माह के बाद अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेंगे और ज़रूर आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जिनकी औलाद नहीं है। तो किसी को छुपाने से बेहतर है कि आप लोग उनको बताएं ताकि उनका फ़ायदा हो और बहुत ज़्यादा उनको खुशी हो, वो आपको दुआएँ दें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है आई तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और याद रहे कि ये जो रेमेडी है वो सिर्फ और सिर्फ औरत करेगी, मर्द नहीं करेगा इस्तेमाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे